14 अक्टूबर 2020 के आज के मधुर मधुर साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत नहीं होती। प्रश्न: श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है क्यों? उत्तर: क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वे ही सतगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला पॉइंट, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे तब कर्मातीत बनेंगे। दूसरा पॉइंट, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान: जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। व्याख्या: सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूरत आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे, आँखों का मलना, संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूरत बन सकेंगे। स्लोगन: निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति।